हेलो एंड वेरी वेलकम टू ऑल ऑफ यू. दिस ये विजय सारडा. मैं आज आपके साथ में लाया हूँ केस स्टडी नंबर 8 इंटरनेशनल टैक्स पेपर 6C. और जैसा कि हमने कहा था कि ये केस स्टडीज आप खुद भी सॉल्व कर सकते हैं. एक बार आप लोगों ने इंटरनेशनल टैक्स पेपर 6C लिया होगा तो आप लोग ये केस स्टडी खुद भी सॉल्व कर लेंगे. मैंने आपको क्लासेस में बताया था कि किस किस तरीके से आपको केस स्टडी सॉल्व करनी है, कैसे देखना है. कुछ बातें मैं फटाफट रिपीट कर लेता हूँ. पहली चीज, केस स्टडीज जब भी आप करें आपको बहुत ज्यादा ध्यान लगाना होता है, क्योंकि आधे से ज्यादा डिटेल्स जो होती है वो सिर्फ और सिर्फ आपको घुमाने के लिए भी होती है. आपको एक्चुअल चैप्टर पकड़ना बहुत जरूरी है कि कौन से चैप्टर से हमें ये केस स्टडी आई है. और साथ साथ में आपको ये देखना बहुत जरूरी है कि डिटेलिंग्स क्या क्या दी हुई है. कई बार ऐसा हो सकता है कि केस स्टडी से अलावा, मतलब केस स्टडी किसी और टॉपिक के ऊपर बात कर रही हो और आपको जो क्वेश्चन आया हो वो कोई और टॉपिक का आया हो. सो बहुत ध्यान से आपको केस स्टडी सबसे पहले पढ़नी होगी. केस स्टडी पढ़ते वक्त आपको पेशेंस रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है. एक एक डिटेल जो आपको दिया हुआ है, एग्जिबिट्स देखेगा, दैट इज एनेक्सचर एग्जिबिट्स देखेगा अगर कुछ दिख रहा है तो, और उसके बाद ही प्रॉब्लम्स को हाथ लगाइएगा. एमसीक्यू आप पहले भी कर सकते हैं, बाद में भी कर सकते हैं, इसका कोई क्राइटेरिया नहीं. आपको देखना पड़ेगा कि एमसीक्यू का डेप्थ कैसा है, क्योंकि जब भी आईसीएआई एमसीक्यू पूछेगा बहुत कम ऐसे चांसेस होते हैं कि वो डायरेक्ट एमसीक्यू पूछे. हालांकि ये जो केस स्टडी है, ये केस स्टडी आपको एमटीपी में भी मिल सकती है. ये केस स्टडी वो केस स्टडी है जो हमने आईसीएआई से ली हुई है. सो ये केस स्टडी आपको कैसे सॉल्व करनी है उसको देख लेते हैं. आइए आज की केस स्टडी बात करते हैं, केस स्टडी नंबर 8 के ऊपर. ठीक है, हम लोग सबसे पहले पूरी केस स्टडीज को पढ़ेंगे. और आपके पास अगर मेरी बुक होगी इंटरनेशनल टैक्स की तो आप उसके अंदर में ये देख सकते हैं और इस केस स्टडी के थ्रू जा सकते हैं. पेपर 6C की जो केस स्टडी है, ऑलरेडी एक 7 केस स्टडी मैंने अपलोड कर दी है और यह है 8 केस स्टडी. राइट, सो ध्यान से देखते हैं. कम ऑन, केस स्टडी नंबर 8, त्रिकाल सीमेंट्स इज एन इंडियन कंपनी. सो पहली बात, यहां पे TCL लिखा है, विच इज एन इंडियन कंपनी. राइट, हैविंग इट्स हेड ऑफिस एज विशाखापट्टनम, दैट इज इन इंडिया. द कंपनी ऑपरेट्स एसीडेड यूनिट एज वेल एज सर्वल DTA यूनिट्स. मतलब कंपनी 10AA का भी बेनिफिट ले रही होगी. ये बात आपके माइंड में तुरंत क्लिक करनी चाहिए कि ये DTAA का भी बेनिफिट एट द सेम टाइम क्लेम कर रही होगी. राइट, TCL इज अ फ्लैगशिप कंपनी. फ्लैगशिप कंपनी मतलब मेन ग्रुप है. एंड द ग्रुप हैज फॉरन सब्सिडरी, मतलब ये कंपनी की फॉरन सब्सिडरी भी है. इंडियन तो है ही, ये कंपनी इंडियन है और इसकी फॉरन सब्सिडरीज भी है. मतलब कहीं ना कहीं आपका दिमाग दौड़ना चाहिए कि इसके एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस हो सकते हैं. डी इनकॉर्पोरेशन, ठीक है. यू आर द CFO विथ CA बैकग्राउंड हैंडलिंग ऑल टैक्सेशन मैटर्स. ठीक है, तो हम लोग को कौन बताया गया है, कंपनी के CA है हम लोग और कंपनी के टैक्सेशन मैटर्स को हैंडल कर रहे हैं. मीटिंग ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ऑल इंपॉर्टेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मीटिंग इज शेड्यूल्ड ऑन 25th of May. द करंट डेट इज 20th of May, मतलब 3 दिन बाकी है बोर्ड मीटिंग को. इन दिस मीटिंग सम इम्पोर्टेंट डिस्कशन आर प्रपोज टू बी टेकन. जो मीटिंग होने वाली है उसमें कुछ डिस्कशन होने वाले हैं. सम ऑफ देम हैविंग रेपरकेशन एसोसिएटेड विद इंडियन एंड इंटरनेशनल टैक्सेशन. जो डिसीजन लिए जाएंगे उसका इंडियन टैक्सेशन एंड फॉरन टैक्सेशन पे क्या होने वाला है, इम्पैक्ट होने वाला है, ऐसा वो कह रहे हैं. ठीक है, बैकग्राउंड ऑफ बिजनेस एक्टिविटी बता रहे हैं कि TCL क्या करता है. TCL सप्लाई गुड्स टू शाइन लिमिटेड इन श्रीलंका. ओके, तो सबसे पहले TCL शाइन लिमिटेड श्रीलंका में, TCL SL को देता है श्रीलंका में. तो पहला जो हमारा दिमाग दौड़ना चाहिए, क्या इन दोनों के बीच में वो रिश्ता है, ये रिश्ता क्या कहलाता है, एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस का. अगर ऐसा है तो ट्रांसफर प्राइसिंग प्रोविजंस एप्लीकेबल हो जाएगी. ठीक है, द पेड अप कैपिटल ऑफ SL श्रीलंका इन INR इक्विवेलेंट टू 50 crore rupees. ठीक है, द TCL होल्ड इन ट्यून ऑफ 14 crore इन द सेम. अच्छा जी, SL का पेड अप कैपिटल कितना है, 50 crore का है, जिसमें से 14 crore कौन हेल्ड करता है, TCL हेल्ड करता है. क्या लगता है आपको, शेयर कैपिटल की डिटेल क्यों दी होगी? ऑब्वियसली बात है, शेयर कैपिटल की डिटेल आपको इसलिए दी होगी क्योंकि एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस का क्राइटेरिया 26% का मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है, हमें वो देखना होगा. तो तुरंत देख लेते हैं क्या 26% का क्राइटेरिया मैच करता है. कैसे देखेंगे, 14 करोड़ का कैपिटल है, ध्यान से सुनना, 14 करोड़ का कैपिटल है आपका, जिस आउट ऑफ 50 करोड़ टू द ट्यून ऑफ 28% होल्डिंग आता है. आप चेक करके देख लीजिए, टू द ट्यून ऑफ कितना आता है, 28% आ जाता है. और हमारे 92A सेक्शन के अंदर में लिखा है कि अगर 26% से ज्यादा की होल्डिंग हो जाती है तो आप दोनों हो जाते हैं एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस. तो हियर इन हमें एक क्लू मिल गया कि TCL
एंड एसएल, ये दोनों कौन बन गए, एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस बन गए। यहां पे आप लोगों ने लिख कर रख देना है, यहां तक का डिटेल हम लोगों ने पढ़ा है, ठीक है। टीसीएल सप्लाई गुड्स टू ग्रू सॉलिड लिमिटेड इन सिंगापुर, टीसीएल जीएसएल को भी देता है। द पेड अप कैपिटल ऑफ जीएसएल इन INR इज 80 एंड टीसीएल होल्ड 18। अगेन चेक करेंगे हम लोग, 18 करोड़ आप होल्डिंग रखते हैं, 18 करोड़ आप होल्डिंग रखते हैं आउट ऑफ द टोटल 50 करोड़। सो 18 डिवाइडेड बाय 50, 36%। एक मिनट, मैंने कुछ गलत किया, यहां पे 80 करोड़ होना चाहिए। अगेन हमने 50 कर लिया, 18 डिवाइडेड बाय 80%, दिस कम्स टू 22.5। सो यहां क्लियर है कि ये दोनों एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस नहीं है। कौन कौन? TCL एंड GSL। सो TCL एंड GSL, दीज आर एसोसिएटेड और नॉट, दीज आर नॉट एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस। सो एक बात हो सकती है, यहां पे आपका दिमाग दौड़ना चाहिए, अगर TCL और SL जो श्रीलंका में है ये एसोसिएटेड है, एट द सेम टाइम TCL एंड GSL जो एसोसिएटेड एंटरप्राइज नहीं है, यहां पे हम एक मेथड का अनुमान बिल्कुल अच्छे से लगा सकते हैं, वो है कप मेथड, क्योंकि यहीं पे आपको सीधे सीधे कंपेरेबल अनकंट्रोल्ड प्राइस मिल सकता है विथ अ रिलेटेड पार्टी एंड विथ नॉट अ रिलेटेड पार्टी। ये आपका दिमाग स्पीड में वर्क करना चाहिए। द पेड अप कैपिटल Which holds, okay. The voting power in both the companies are directly proportional to the number of shares held. इसी के लिए हम straight away associated enterprises का background बना सकते हैं, ठीक है, done. Royalty receipts, मतलब कुछ income आ रही है. D incorporation is currently paying royalty of $2 million पर एनम। जैसी आपको यूएसडी बोला तो आपको यह याद रखना पड़ेगा, आपको कन्वर्जन रेट भी देखना पड़ेगा कि कन्वर्जन रेट कहां है, और प्रॉब्लम में यहां आपको स्ट्रेट अवे कन्वर्जन रेट दिया हुआ है। So, D Incorporation is currently paying a royalty of $2 million per annum to TCL for supply of their know-how. मतलब TCL, ध्यान से सुनना, TCL क्या करता है, TCL अपना know-how supply करता है। किसको अपना वो know-how supply कर रहा है? TCL अपना know-how supply कर रहा है D Incorporation को। So, TCL प्रोवाइड कर रहा है किसको? डी इनकॉर्पोरेशन को नो हाउ प्रोवाइड किया जा रहा है, बहुत अच्छी बात है। और नो हाउ के बदले में इसको क्या मिल रहा है? रॉयल्टी मिल रहा है, जिसके तहत हम एक और चीज कह सकते हैं, ये दोनों भी कौन हो गए? एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस। सो अब तक अगर तीन इनकॉर्पोरेशन की बात करूं जो यहां पे दी हुई है, टीसीएल और एसएल एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस हुए, टीसीएल और जीएसएल एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस नहीं है, बट डी इनकॉर्पोरेशन एंड टीसीएल एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस है, क्योंकि 92A की अगर हम बात करें तो अगर कोई नोहाउ प्रोवाइड कर रहा है किसी भी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन को तो यस, वो एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस बन जाता है। सो फॉर सिमिलर सप्लाई ऑफ नोहाउ टू एप्सिलॉन एलएलसी, a wholly owned government company in Japan, TCL receives an annual royalty of $3 million। तो यहां पे हमें एक और चीज बताई गई है, यहां पे भी अगेन कप मेथड का हिंट दिया हुआ है कि हम एक और कंपनी जो जापान के अंदर में है, गवर्नमेंट ओन कंपनी एप्सिलॉन, हम उसको भी सेम नोहाउ प्रोवाइड करते हैं, बट वो हमें $3 million देता है, जबकि हमें हमारे एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस से $2 million रिसीव हुए। इससे क्या पता चलता है? इससे पता चलता है कि आपने अपनी इनकम कम शो करी होगी। कितने से? बाय $1 million से आपने इनकम कम शो करी होगी, और इसीलिए टीपी प्रोविजन अप्लाई की जा सकती है। सो मोटा मोटी तौर पे यहां तक के तो अभी तक प्रॉब्लम ट्रांसफर प्राइसिंग का दिख रहा है, केस 8, अगेन ट्रांसफर प्राइसिंग का प्रॉब्लम दिख रहा है, और मैक्सिमम केस स्टडी आप पता करके चल लीजिए, आप देख लीजिए, आपको ट्रांसफर प्राइसिंग से ही मिलने वाली है या फिर ट्रिटीज से मिलेगी, मुझे पर्टिकुलरली ऐसा लगता है फॉर July 20 एंड November 20, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एक्सपोर्ट सेल्स डेटा, जो हमने एक्सपोर्ट्स किया है, हम कौन? TCL, जो हमने एक्सपोर्ट्स किया उसके कुछ डेटा दे रहे हैं। एक्सपोर्ट सेल्स आर मेड फ्रॉम SEZ यूनिट ऑफ TCL, जो एक्सपोर्ट हुआ है वो TCL से हुआ है, मतलब 10AA का बेनिफिट TCL जरूर क्लेम करता होगा SEZ यूनिट वाला। द मैनेजर ऑफ एक्सपोर्ट डिविजन हैज फर्निश्ड द फॉलोइंग डेटा पर्टेनिंग टू एक्सपोर्ट सेल्स ऑफ आइडेंटिकल गुड्स मेड ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है। TCL ने SL को दिया, TCL ने SL को दिया 8 लाख मेट्रिक टन, जिसका CIF रेट लगाया 11,800, वहीं GSL को दिया 12,000 रुपए में। एक बात यहां पे समझने लायक, ये एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस है
और ये नॉट एसोसिएटेड एंटरप्राइज है, तो क्लियर कट यहां पे दिख रहा है ₹200 जो चार्ज किए ये कम चार्ज किए हैं। सो ₹200 कम चार्ज किया गया है किससे, अपने एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस से, यानी ₹200 का डिफरेंस यहां पे क्लियर कट दिख रहा है पर मेट्रिक टन के पीछे, ठीक है। एक्स वाई इनकॉर्पोरेशन को 3 लैक्स दिए गए हैं जबकि एबी एलएलसी को 2 लैक्स दिए गए हैं गुड्स एट द फॉलोइंग प्राइस 11,900 एंड 11,700। एक्स वाई एंड एबीसी आर अनरिलेटेड थर्ड पार्टीज लोकेटेड इन नॉन ज्यूरिस्डिक्शनल एरिया। ओ हो, यहाँ पे एनजेए की भी बात आ गई, नॉन ज्यूरिस्डिक्शनल एरिया 94A के तहत डील कर रहे हैं। नॉन ज्यूरिस्डिक्शनल एरिया मतलब ऐसा एरिया, नॉन ज्यूरिस्डिक्शनल मतलब ऐसा एरिया जो हमारे साथ में इंफॉर्मेशन एक्सचेंज नहीं करता। नॉन ज्यूरिस्डिक्शनल एरिया से अगर आप कोई भी बाइंग या सेलिंग करते हैं तो वो जो 3% या 1% का आपको टॉलरेंस रेशियो रहता है वो टॉलरेंस रेशियो आपको मिलने वाला नहीं है। एट द सेम टाइम अगर आप कोई भी पार्टी जो एनजेए में वर्क कर रही है उसके साथ डीलिंग कर लेते हैं तो आपको मैं बता दूं आप डीम्ड एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस माने जाते हो, आप स्ट्रेट अवे ट्रांजैक्शन इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन माना जाता है और आप लोग के बीच का रिश्ता एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस का रिश्ता होता है। एट द सेम टाइम आपका टीपी कैलकुलेट हो जाएगा, मतलब क्लियर कट यहां पे दिख रहा है कि 3 कैलकुलेशंस में आएंगे, एक एसएल को जो ट्रांजेक्शन किया वो आएगा, एक्स वाई को जो ट्रांजेक्शन किया वो आएगा, एबीसी एलएलसी को जो ट्रांजेक्शन किया वो भी इसके अंदर में कवर होगा। यानी जब भी हम लोग टीपी कैलकुलेट करेंगे 3 डिफरेंसेस 3 कंपनी के एड होंगे क्योंकि यहां पे क्लियर कट दिया हुआ है एक्स वाई इनकॉर्पोरेशन एंड एबीसी एलएलसी क्या है, एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस बाई डिफॉल्ट में माने जाएंगे बिकॉज दे आर लोकेटेड इन एनजेए नॉन ज्यूरिस्डिक्शनल एरिया। अच्छा जी साहब, सो अब तक हम लोगों ने बात करी कुछ सेल्स की, कुछ रॉयल्टी रिसीट्स की जो उसको हो रही है, अब कुछ बात करते हैं एक्सटर्नल बोरोइंग्स की। एक्सटर्नल बोरोइंग से इम्पैक्ट पड़ने वाला है क्या? यस, हमें एक्सटर्नल बोरोइंग से भी इम्पैक्ट पड़ता है। क्यों? क्योंकि 92A में लिखा है कि अगर बोरोइंग आपकी होती है एक लिमिट के ऊपर तो भी आप एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस माने जाएंगे 92A के क्राइटेरिया में। तो आइए पढ़ते हैं। TCL has borrowed, borrowed, हमने लिया है, has borrowed a sum equivalent to 200 crores from Danube's Incorporation, Dubai, okay, on 12th April. On this date, the asset proportion of TCL was as under, उसकी मार्केट वैल्यू, उसकी बुक वैल्यू, आपको ये दो चीजें दी हुई है, ठीक है। तो आपको इसकी मार्केट वैल्यू भी दी हुई है, आपको इसकी बुक वैल्यू भी दी हुई है, दोनों को हम कंसिडर करके चलते हैं एज ऑफ नाउ, ठीक है। Danube has charged interest at the rate of 8% and TCL has paid interest of 16 crore for the year ended 31st March. Though the normal lending rate is 7% to the other entities. Oh ho. ये देखो, इंस्टीट्यूट ने आपको यहां पे घुमाने की कोशिश की है और अगर किसी के पास यहां पे कंसेप्चुअल नॉलेज नहीं होगा ना मेरे भाई, वो कंफर्म यहां पे गिर जाएगा, कंफर्म गिर पड़ जाएगा क्योंकि उसके पास कंसेप्चुअल नॉलेज अगर नहीं रहा, क्या करने की कोशिश की है, देखो आपको घुमाने की कोशिश की है। सबसे पहले बोला है कि आपकी बोरिंग्स है 200 करोड़ रुपीज, ठीक है, आपको घुमाने की कोशिश की है यहां मार्केट वैल्यू बुक वैल्यू, बच्चा यहां पे घूमता रहेगा मार्केट वैल्यू बुक वैल्यू ऑफ के कितने प्रपोर्शन में वो एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था, बहरहाल ये एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस बन जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रोविजंस पढ़ लेना, 92A में लिखा है, पॉइंट वहां लाई नहीं कर रहा है, इंस्टीट्यूट ने आपको घुमाने की कोशिश कहां की है, आपसे जो इंटरेस्ट चार्ज हो रहा है वो हो रहा है 8% के हिसाब से, आपसे जो इंटरेस्ट चार्ज हो रहा है वो हो रहा है 8% के हिसाब से जबकि आर्म लेंथ इंटरेस्ट है 7%। आर्म लेंथ इंटरेस्ट कैसा है बेटा, 7% आपको दिया हुआ है, ठीक है। अब जरा ध्यान से सुनना, आपने इंटरेस्ट ऑलरेडी चार्ज किया है 8% के हिसाब से, अब अगर आप 7% के हिसाब से इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, मान लो टीपी आर्म्स लेंथ 7% लेकर के आप चार्ज करेंगे, तो आपने अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एक्सपेंडिचर जो क्लेम किया होगा वो 8% के हिसाब से किया होगा, हाँ या ना? हाँ। अब आप क्या करोगे, इसे अगर 7% कर दोगे तो आपका एग्जिस्टिंग प्रॉफिट रिड्यूस हो जाएगा, और अगर आपको सेक्शन का प्रोविजंस अगर याद होगा, 92 चार्जिंग सेक्शंस अगर आपको याद होगा, तो कहता है अगर ट्रांसफर प्राइसिंग प्रोविजंस लगाने से, अगर ट्रांसफर प्राइसिंग प्रोविजंस लगाने से आपका प्रॉफिट रिड्यूस होता है या लॉस एक्सीड करता है, आपका प्रॉफिट
रिड्यूस होता है या लॉस एक्सीड करता है तो ट्रांसफर प्राइसिंग प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं है, तो ट्रांसफर प्राइसिंग प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं है। और इंस्टीट्यूट ने आपको यहां घुमाने की कोशिश की है, इंस्टीट्यूट आपको यहां पे एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस के कॉन्सेप्ट में इंटरेस्टेड नहीं है, इंस्टीट्यूट यहां पे यह देखने में इंटरेस्टेड है कि क्या तुम ये एक छोटा सा हिंट पकड़ पाओगे कि नहीं। बहुत छोटा सा हिंट है, और मैं आपको बता दूं इंटरनेशनल टैक्स के अंदर में आपको बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना होता, आपको एप्लीकेशन करना सही आना चाहिए, आपको हर चीज का एक छोटा सा बेसिक अकाउंटिंग एंट्री भी जमता होगा ना तो आप बहुत अच्छे से कर लोगे मेरे भाई। 8% के हिसाब से तुमने क्या किया है, चार्ज किया होगा, जैसा कि ये कह रहा है 8% के हिसाब से 16 करोड़ रुपए चार्ज किया होगा। 7% के अगर हिसाब से तुम करोगे तो एक्सपेंसेस रिड्यूस हो जाएंगे, ऑटोमेटिकली जब एक्सपेंसेस रिड्यूस हो जाएंगे इनकम बढ़ जाएगी, और सर आपके प्रॉफिट के ऊपर इसका क्या पड़ने वाला है, फर्क पड़ने वाला है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो आपको देखना है कि कहीं प्रॉफिट तो कम नहीं हो रहा या लॉस इंक्रीज तो नहीं हो रहा, इस चीज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, इस पॉइंट पे आपको कहीं ना कहीं आंसर लिखना पड़ेगा, ये बात ध्यान रखिएगा। इन लियो ऑफ फॉलोइंग आंसर, अगर आपने देखा होगा इसके पहले की जो केस स्टडीज थी ये बहुत बड़ी बड़ी थी, ये जो केस स्टडी है ये रीसेंट न्यू केस स्टडीज है जो एमटीवी वगैरह में दी हुई है मॉड्यूल ने, इंस्टीट्यूट ने, और वो हम लोगों ने कंसिडर किया है। रिलेटिवली अब जो केस स्टडीज आती है वो छोटी छोटी आती है, पहले 50 मार्क की केस स्टडी आती थी, अब 25 मार्क की केस स्टडीज आती है, लेकिन कॉन्सेप्ट 5-6 मिला के पूछे जाते हैं। सो आइए क्वेश्चंस डील करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चंस, इस पे जाने से पहले मैं आगे जाके देख लेता हूं कहीं कुछ एग्जिबिट तो नहीं दिया है जैसा कि पुरानी केस स्टडीज में दिया होता था। नो, इसमें कोई एग्जिबिट नहीं है और यहां पे हमारी सारी इंफॉर्मेशन खत्म हो जाती है, मतलब हमें डायरेक्टली क्वेश्चंस के साथ डील करना है। ठीक है, स्टेट विथ रीजन द करेक्टनेस और अदरवाइज ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। क्वेश्चन देखिए कहां से चालू हो रहा है, क्वेश्चन चालू हो रहा है स्टेट विद द रीजन करेक्टनेस और नॉट, मतलब आपका आंसर हमेशा स्टार्ट होना चाहिए वेदर दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट और इनकरेक्ट, यहां पे आपका आंसर इस तरीके से चालू होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, एन एडवांस प्राइसिंग अग्रीमेंट, वो स्टॉप, जैसा कि मैं आपसे थोड़ी देर पहले कह रहा था कि कई बार इंस्टीट्यूट आपको फालतू घुमाने की कोशिश करती है, आप पूरे ऊपर से नीचे तक के आपने केस स्टडी पढ़ा, हर जगह या तो एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस या कप मेथड के बारे में बात कही गई थी, एडवांस प्राइसिंग अग्रीमेंट का एक छोटा सा हिंट भी नहीं दिया था, लेकिन क्वेश्चन में सबसे पहला क्वेश्चन ही एडवांस प्राइसिंग अग्रीमेंट के ऊपर दिया है। तो द मोमेंट आपको एडवांस प्राइसिंग अग्रीमेंट के ऊपर क्वेश्चन आया, आपका पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी यह बनता है कि एडवांस प्राइसिंग अग्रीमेंट ढूंढना कि कहां है, कैसे ढूंढ सकते हैं आप बहुत इजीली ढूंढ सकते हैं। आप अगर बुक यूज कर रहे होंगे या इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल यूज कर रहे होंगे तो आपको वहां पे इंडेक्स में जाना है, इंडेक्स में जाकर के एडवांस प्राइसिंग अग्रीमेंट ढूंढना है। अगर आपको याद हो तो क्लास में मैंने आपको बोला था हर टॉपिक का इंडेक्स बनाना है और आई एम श्योर आप लोगों ने बनाया होगा। तुरंत जाइए, चैप्टर मिलेगा ट्रांसफर प्राइसिंग, और ट्रांसफर प्राइसिंग के अंदर हम लोगों ने बहुत डिटेल के अंदर में एडवांस प्राइसिंग अग्रीमेंट और उसके रूल देखे थे। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है फटाफट उधर जाना, मैंने फॉर द टाइमिंग यहां पर ओपन करके रखा है, हम गए यहां पे एडवांस प्राइसिंग अग्रीमेंट के ऊपर, ट्रांसफर प्राइसिंग चैप्टर मैंने ओपन किया, बाय डिफॉल्ट में मैं अज्यूम कर रहा हूं कि आपने भी अब तक ओपन कर दिया होगा। एडवांस प्राइसिंग अग्रीमेंट और इसके इफेक्ट के ऊपर बात चल रही है, 92 CC एडवांस प्राइसिंग अग्रीमेंट। मैंने अब तक क्वेश्चन नहीं पढ़ा पर मैंने हेडिंग देख करके फटाफट वहां पे पहुंच गया हूं। ठीक है, अब मैं बात करता हूं कि क्या क्वेश्चन है, चेक, एडवांस प्राइसिंग अग्रीमेंट एंटर्ड इनटू बाय द एसएससी कैनॉट बी रिवाइज्ड बाय सीबीडीटी स्यू मोटो। आपने जो एडवांस प्राइसिंग अग्रीमेंट एंटर किया है उसको सीबीडीटी रिवाइज नहीं कर सकता, बट ओनली अपॉन एप्लीकेशन मेड बाय द एसएससी। एक क्वेश्चन पूछा गया है, क्या एडवांस प्राइसिंग अग्रीमेंट रिवाइज हो सकता है क्या, पहला बेसिक क्वेश्चन ये है कि क्या एडवांस प्राइसिंग अग्रीमेंट रिवाइज हो सकता है क्या। अगर इसका जवाब हाँ हो तो दूसरा सवाल आता है कि कौन इसे रिवाइज कर सकता है। इसका जवाब मैं आपको बता दूं रूल 10Q में मिलेगा। आप अगर ये रूल देखने जाएं जो हमने बुक के अंदर में लिखा है रूल 10F to 10T, इसमें आपको 10Q सर्च करना पड़ेगा, वहां पर रिविजन लिखा होगा और मैंने बहुत इजीली आपको साइड में इसका हेडिंग भी दे करके रखा है। ये देखिए यहां दिख रहा है रूल 10Q रिविजन ऑफ APA, इस हेडिंग से ही आपको यहां आ जाना है। अब डिपेंडिंग अपॉन द मार्क्स आपको इतना पार्ट यहां पर रिप्रोड्यूस करना पड़ेगा, इतना पार्ट आप रिप्रोड्यूस करेंगे आंसर्स के अंदर में, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द मार्क्स। अगर मार्क्स कम होंगे तो डायरेक्ट आंसर वाला पार्ट लिखो, अगर मार्क्स ज्यादा होंगे
तो ये पूरा रूल 10Q आपको क्या करना पड़ेगा, रिवाइज करना पड़ेगा। मैं फटाफट आपका रिवीजन करवा देता हूं। रूल 10Q क्या बोलता है कि रिवीजन हो सकता है क्या? हाँ, एडवांस प्राइसिंग अग्रीमेंट का रिवीजन हो सकता है। कौन कर सकता है? सर दोनों कर सकते हैं, सुमोटो भी हो सकता है। सर सुमोटो कौन करेगा? इसको करते हैं सर डीजीआईटी इंटरनेशनल टैक्स। डीजीआईटी जो इंटरनेशनल टैक्स के होते हैं वो इसे रिवाइज करते हैं, एंड साथ साथ में एसएससी अगर एप्लीकेशन देता है तो भी रिवाइज हो सकता है। रिवीजन वाला क्लॉज क्यों आया था, मैंने क्लास में इसके पीछे की हिस्ट्री बताई थी, मैं फिर एक बार बता देता हूं। क्योंकि कई बार जब एनवायरमेंटल चेंजेस होते हैं या इंटरनेशनली कोई टैक्स लॉस चेंज होते हैं तो एक क्लॉज रिवीजन का इसमें होना चाहिए। और हर इंटरनेशनल अग्रीमेंट्स, अगर आप ओईसीडी की गाइडलाइंस देखेंगे, हर इंटरनेशनल अग्रीमेंट्स बाय म्यूचुअल अग्रीमेंट क्या कर सकता है, रिविजन कर सकता है। और इसी के तहत क्या अग्रीमेंट रिवाइज हो सकता है? यस, कौन कर सकता है? सुमोटो डिपार्टमेंट भी कर सकता है एज वेल एज एसएससी भी कर सकता है। अब क्वेश्चन क्या पूछा है जरा देखते हैं। एन एडवांस प्राइसिंग अग्रीमेंट एंटर्ड इनटू बाय एसएससी कैन नॉट बी रिवाइज बाय सीबीडीटी सुमोटो, सही है या गलत है? पूरा गलत है, दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। क्यों? क्योंकि इसे सीबीडीटी भी कर सकता है, दैट इज डिपार्टमेंट सीबीडीटी भी कर सकता है और एसएससी भी कर सकता है, राइट? आइए प्रोविजन पढ़ लेते हैं 10Q पे और फिर देखेंगे। द अग्रीमेंट कैन बी रिवाइज इन द फॉलोइंग सिचुएशन। देखिए मैं आपको बता रहा था क्यों, कब कब चेंज हो सकता है। पहला, दैट देयर इज अ चेंज इन क्रिटिकल अजम्पशंस और फेलियर टू मीट अ कंडीशन सब्जेक्ट टू विच अग्रीमेंट हैज बीन एंटर्ड। अगर कोई क्रिटिकल अजम्पशन था यू नो डीटीडब्ल्यू के अंदर में या ट्रांसफर प्राइसिंग अग्रीमेंट्स के अंदर में या स्पेसिफिकली एपीए के अंदर में जिसकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है, अगर कोई कंडीशन थी जिसके बेस पे अग्रीमेंट बना था या कोई क्रिटिकल अजम्पशन जो हमने एपीए कैलकुलेट करने के लिए लिया था वो चेंज होता है तो आप इसे रिवाइज कर सकते हैं। सेकंड, देयर इज अ चेंज इन लॉ। जैसा कि मैंने अभी कहा कि अगर इंटरनेशनली कोई लॉ चेंज होता है, जैसे कि मैं आपको बताऊं ओईसीडी इंडिया अब मल्टी लेवल इंस्ट्रूमेंट्स को क्या कर चुका है, साइन कर चुका है। ओईसीडी के तहत जब भी कोई चेंज होता है तो हम ऑटोमेटिकली हमारे जितने अग्रीमेंट्स होते हैं वो चेंज हो जाते हैं और इसी के तहत क्या किया जा रहा है, आपका चेंज हो सकता है, रिवाइज हो सकता है। देयर इज अ रिक्वेस्ट फ्रॉम द कंपीटेंट अथॉरिटी इन द अदर कंट्री। अदर कंट्री की कोई कंपीटेंट अथॉरिटी आपसे स्पेसिफिक रिक्वेस्ट करती है कि आपको ये जो अग्रीमेंट है इसे क्या कर देना है, रिवाइज कर देना है, तो आप ये कर लेंगे। एन अग्रीमेंट मे बी रिवाइज, ये इस लाइन के ऊपर ये पूरा क्वेश्चन बेस्ड है। एन अग्रीमेंट मे बी रिवाइज बाय द बोर्ड ईदर सुमोटो और ऑन रिक्वेस्ट ऑफ द एसएससी। मतलब सिर्फ एसएससी नहीं होगा, बोर्ड के तहत भी हो सकता है। वहां पे बोर्ड लिखा है, बोर्ड का मतलब क्या है, सीबीडीटी। सो एन अग्रीमेंट मे बी रिवाइज बाय बोर्ड ईदर सुमोटो और ऑन रिक्वेस्ट ऑफ द एसएससी और द कंपीटेंट अथॉरिटी इन इंडिया और डीजीआईटी। सीधे शब्दों में बोर्ड और कौन, यस एसएससी। The agreement shall not be revised unless an OOBH, that is opportunity of being heard, is given. Obviously बात है क्योंकि इसमें दोनों पार्टी की सहमति होनी चाहिए, इसलिए opportunity of being heard देना जरूरी है revision करने से पहले। The revised agreement shall include the date till which the original agreement is to apply and the date from which revised agreement is to apply. अब यहां पे case study में कितने marks पूछे हैं उसके ऊपर depend करता है, but क्वेश्चन क्या है वापस से देख लेते हैं। एन एडवांस प्राइसिंग अग्रीमेंट एंटर्ड इनटू बाय एसएससी कैन नॉट बी रिवाइज्ड बाय सीबीडीटी सुमोटो, ट्रू, करेक्ट, इनकरेक्ट? इनकरेक्ट सर। आइए आंसर देखते हैं। द स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। एन अग्रीमेंट आफ्टर बीइंग एंटर्ड मे बी रिवाइज्ड, वर्ड क्या लिखा है देख लीजिएगा, मे बी रिवाइज्ड बाय बोर्ड ईदर सुमोटो, बाय बोर्ड ईदर सुमोटो और ऑन एप्लीकेशन मेड और द कंपीटेंट अथॉरिटी और दी डीजीआईटी इंटरनेशनल टैक्स इन अप्रोप्रिएट सिचुएशन गिवन एज पर रूल 10Q। सो माइट बी यहां पे क्वेश्चन के मार्क्स कम रहे होंगे इसलिए उन्होंने इसको क्या कर दिया, रिस्ट्रिक्ट कर दिया। बट अगर मार्क्स ज्यादा होते हैं तो जैसा कि मैंने कहा आप पूरा का पूरा मेरा नोट उठा करके वहां पर डाल सकते हैं। फिलहाल जो बच्चे मेरे साथ क्लास किए हैं देख रहे हैं, लिख दीजिए पेज नंबर 5.22 जहां पे इसका आंसर लिखा है, राइट? मैंने आपको ये चीज करनी सिखाई थी ताकि आप ऐसा कोई केस स्टडी डायरेक्ट आ जाती है तो आप उसको कर सकें। आइए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। अंडर रूल 10MA, अंडर रूल 10MA2, 10MA अगेन बात करता है किसकी, एडवांस प्राइसिंग अग्रीमेंट की, ठीक है। तो आप देख सकते हैं केस स्टडी का और क्वेश्चन का कहीं दूर दूर तक के लेन देन नहीं है। तो मैं जैसा कि हमेशा बच्चों को कहता हूं कि आपको डरने की जरूरत नहीं है इंटरनेशनल टैक्स में। अगर आपके कॉन्सेप्ट्स बहुत ज्यादा क्लियर हैं तो आपको बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, केस स्टडी से आपको डरने की जरूरत ही नहीं है प्रैक्टिकली। अंडर 10MA अगर आप बच्चे मुझे कहते हैं 2019-2018 की भी केस स्टडीज बहुत हार्ड आई है, मैं उन बच्चों को कहता हूं कि अगर आप देखोगे तो इंस्टीट्यूट ने पूरा कॉन्सेप्ट बेस पूछा है। हाँ, आपको घुमाने की बहुत कोशिश की है। अगर आप यहां देखोगे तो इस क्वेश्चन में भी आपको घुमाने की बहुत कोशिश की गई है,
समझ में आ रही बात आपको, घुमाने की अच्छी खासी कोशिश की गई है, लेकिन क्वेश्चन आपसे बहुत डायरेक्ट पूछे जा रहे हैं अपार्ट फ्रॉम दी केस स्टडीज. सो लेट्स चेक. अंडर 10MA देर इज अ कंडीशन दैट रिटर्न ऑफ इनकम फॉर द रेलेवेंट रोल बैक ईयर. अब ये क्वेश्चन रोल बैक पे पूछा है, एडवांस प्राइसिंग. मतलब देखो, एक ही केस स्टडी के अंदर आपसे टीपी भी पूछेंगे, रोल बैक भी पूछेंगे, एडवांस प्राइसिंग अग्रीमेंट भी पूछेंगे. सो ये क्वेश्चन है रोल बैक. अगेन आपके दिमाग में तुरंत दौड़ना चाहिए कि रोल बैक हमने कहां पढ़ा है. रोल बैक हमने पढ़ा है अगेन एडवांस प्राइसिंग अग्रीमेंट में. जनरली एडवांस प्राइसिंग अग्रीमेंट 5 साल के लिए बनता है जब से ये एंटर किया जाता है. हालांकि रिक्वेस्ट और एप्लीकेशन ऑन स्पेसिफिक प्रोसीजर फॉलो करके ये पिछले 4 सालों पे भी अप्लाई किया जा सकता है ड्यूरिंग द असेसमेंट. इसे हम कहते हैं रोल बैक प्रोविजन. सो ऑल रोल बैक ईयर और हैज बीन और इज बीइंग फर्निश्ड बाय द एप्लीकेंट बिफोर द ड्यू डेट स्पेसिफाइड अंडर 139(1). Hence, the applicant who has filed the return under 139(4) or 139(5) of the Act would not be eligible for rollback provision. मैं आपसे एक बहुत important point कहना चाहता हूं. अगर आपको याद हो तो मैंने क्लास में आपको बताया था कि मैं एक सर्क्यूलर इंक्लूड कर रहा हूं, सर्क्यूलर नंबर 10/2015. आप में से कई लोगों ने क्लास में, जो लाइव क्लासेस में थे, उनने मुझसे पूछा भी था कि सर हम 2019-20 के अंदर में 2015 का सर्क्यूलर क्यों पढ़ रहे हैं. मैंने आपको कहा था कि ये रोलबैक से रिलेटेड FAQs है जो इनकम टैक्स की वेबसाइट ने इशू करी है और मैंने जानबूझ के नॉलेज पर्पस के लिए इसे इंक्लूड किया हुआ है. आई डोंट नो, कुछ बच्चे मेरे पास ऐसे भी दिए थे कि सर हम कोई पर्टिकुलर बुक रेफर कर रहे हैं उसके अंदर ये नहीं है. मैंने उन्हें बोला था बेटा पढ़ के रखो, क्योंकि मैंने ये केस स्टडी ऑलरेडी पढ़ी थी, मैंने देखा था इंस्टीट्यूट ऐसी हर चीज को पूछ रहा है, राइट. और वो चाहता है आपसे उतना प्रैक्टिकल नॉलेज. अब मैं आपको बताता हूं ये क्वेश्चन कहां का भेज दे. ये पहला क्वेश्चन है उसी सर्क्यूलर का, मैं दिखाता हूं आपको. अगर आप जाएंगे रोल बैक प्रोविजन, यहां पे हमारा स्टार्ट होता है पेज नंबर 5.23 से, और आप यहां पे सर्क्यूलर नंबर 10/2015 देखोगे तो सेम क्वेश्चन इंस्टीट्यूट ने उठा करके वहां रख दिया. ये FAQ था जो जो CBDT से पूछा गया था, और यही FAQ आपके CA फाइनल डायरेक्ट टैक्स में आ गया. मतलब इंस्टीट्यूट आपसे वो लेवल, वो डेप्थ, वो कंसेप्चुअल क्लैरिटी एक्सपेक्ट कर रही है जो प्रैक्टिस में काम आए. वही क्वेश्चन है एज इट इज, आप देख लीजिए, पढ़ लीजिए मेरे साथ. ये सर्कुलर हमने डाला था, दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 1. दिस इज अ कंडीशन दैट रिटर्न ऑफ इनकम. मैं आपको बताता हूं क्या होता है. जब भी हम लोग एडवांस प्राइसिंग अग्रीमेंट कर रहे होते हैं या रोल बैक कर रहे होते हैं, तो रोल बैक का हमें क्या करना पड़ता है, रिटर्न भरना पड़ता है. उन हर सालों का, जिस सालों का हम रोल बैक अप्लाई कर रहे हैं, उन सालों का रिटर्न हमें भरना पड़ता है, जिसे हम कहते हैं मॉडिफाइड रिटर्न. दूसरी बात, ये मॉडिफाइड रिटर्न जो हमें भरने होते हैं या जो ये रिटर्न हमें भरने होते हैं, ये 139(1) की ड्यू डेट में भरने होते हैं. मतलब रिटर्न मस्ट बी फाइल्ड ऑन टाइम, जिसका अनदर मीनिंग है इट शुड नॉट बी अ बिलेटेड रिटर्न. अब यहां पे दो सवाल पूछे गए, 139(4), 139(5). याद दिला देता हूं, 139(4) बिलेटेड रिटर्न की बात करता है, जबकि 139(5) रिवाइज रिटर्न की बात करता है. याद दिलाता हूं और कुछ, बिलेटेड रिटर्न है, क्या रोल बैक हो पाएगा? आंसर इज नो, क्योंकि प्रोविजंस बहुत क्लियर है. मॉडिफाइड रिटर्न मस्ट बी फाइल्ड विद इन द टाइम लिमिट ऑफ 139(1), विद इन द टाइम लिमिट ऑफ 139(1). तो आपका मॉडिफाइड रिटर्न जो होगा ये 139(1) के टाइम लिमिट में होना चाहिए, जिसका मतलब ये है कि अगर ये एक बी लेटर रिटर्न है तो रोल बैक पॉसिबल नहीं है. अब दूसरे सवाल पे आते हैं, 139(5) रिवाइज रिटर्न. एक रिटर्न रिवाइज तभी हो सकता है जब ये विद इन टाइम फाइल किया गया हो या 139(4) के क्लॉजेस में फाइल किया गया हो. हालांकि स्पेसिफिकली अगर हम एडवांस प्राइसिंग अग्रीमेंट की बात करें तो यस, इसका जो रिटर्न है ये टाइम लिमिट के अंदर ही होना चाहिए. सो अगर रिवाइज रिटर्न की अगर हम बात करें तो यस, आपको क्या करना होगा, रोल बैक अलाउड होगा. पर अगर उस साल का रिटर्न बी लेटेड रिटर्न होगा तो उस साल का रोल बैक आपको अलाउड नहीं होगा. ये इसका आंसर होना चाहिए. क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है, और अगर आपको शॉर्ट में चाहिए तो ये शॉर्ट में हमने करके दिया था. इस पूरे क्वेश्चन का शॉर्टकट हमने यहाँ पे बना के दिया था. रिवाइज रिटर्न है, रोल बैक पॉसिबल है, बी लेटेड रिटर्न था उस साल का, जिस साल का हम रोल बैक चाह रहे हैं, तो फिर रोल बैक पॉसिबल नहीं है. अब क्वेश्चन यहां आके पूछ लेते हैं. यहां आके अगेन वो क्वेश्चन पूछ रहा है कि आपको हर साल के मॉडिफाइड रिटर्न भरने हैं, बट रिटर्न अगर 139(4) में हुआ होगा तो क्या, और 139(5) में हुआ होगा तो क्या. आंसर पार्टली करेक्ट होगा, 4 का अलाउड नहीं होगा, 5 का अलाउड होगा. बी, द स्टेटमेंट इज पार्टली करेक्ट. इफ द रिटर्न इज फाइल्ड अंडर 139(1) इज रिवाइज, देन द रिटर्न ऑफ इनकम अंडर 139(4) एक्ट रिप्लेसेस द ओरिजिनल रिटर्न फाइल्ड अंडर 139(1). Hence, if there is a return which is filed under 139(5), यानी बात कर रहे हैं हम revised return की, to revise the original return filed before the due date under the explanation 2 of 139(1),
एप्लीकेंट वुड बी एंटाइटल्ड टू द रोल बैक प्रोविजन, हाउ एवर रोल बैक प्रोविजन विल नॉट बी एप्लीकेबल इफ द रिटर्न ऑफ इनकम इज फाइल्ड अंडर 139(4) बिकॉज इट इज अ रिटर्न विच इज नॉट फाइल्ड बिफोर द ड्यू डेट। आप रिटर्न रिवाइज कर सकते हैं। अब इसमें कई बच्चों को कंफ्यूजन होता है, मैं वो कंफ्यूजन क्लियर कर देता हूं। आप रिटर्न रिवाइज कर सकते हैं जो बी रिलेटेड है, पर रोल बैक नहीं हो पाएगा, इस बात का आपको याद रखना पड़ेगा। फर्दर इफ अ रिटर्न इज फाइल्ड अंडर 139(4) विच इज रिवाइज इन 139(5), देन रिवाइज रिटर्न रिप्लेसेस द बी रिलेटेड रिटर्न, इन विच केस द एप्लीकेंट वुड नॉट बी एंटाइटल्ड टू रोल बैक। जैसे कि मैंने कहा, वो प्रोविजन इतना ही इनडेप्थ नॉलेज आपको कवर होता है। मैंने असेसमेंट प्रोसीजर्स के भी रिवीजन डाले हुए हैं, असेसमेंट प्रोसीजर के रिवीजन मेरे यूट्यूब चैनल पे, आप वहां पे देख सकते हैं। पीजीबीपी के भी रिवीजन डाले हुए आप देख सकते हैं, और मैं प्लान कर रहा हूं इंटरनेशनल टैक्स का, तो वो भी आप लोग जरूर देख लेना, क्योंकि आपको इतनी ही कंसेप्चुअल क्लैरिटी लगने वाली है। यस, एंड बिलीव मी देर इज नो शॉर्टकट। जब आप लॉ पढ़ते रहते हैं तो इसमें कोई शॉर्टकट्स नहीं हो सकते। कॉन्सेप्ट पढ़ाते वक्त आपको शॉर्टकट बताए जा सकते हैं, लेकिन लॉ में शॉर्टकट्स नहीं हो सकते। लेट अस कम टू द थर्ड क्वेश्चन, वेयर द टोटल इनकम ऑफ टीएलसी इज कंप्यूटेड बाय असेसिंग ऑफिसर अप्लाइंग द प्रोविजन ऑफ 115(JB). ओहो, देखिए, केस स्टडी में कहीं पे भी मैट के बारे में एक सवाल तक के नहीं किया गया था, और यहां पे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो मैट पे पूछा जा रहा है। 115(JB) डील करता है मैट के साथ। एक मिनट, असेसी कौन था? असेसी था कंपनी, तो मैट इसके ऊपर एप्लीकेबल है, मतलब एओ बुक प्रॉफिट कंप्यूट कर सकता है। सो वेयर द टोटल इनकम ऑफ टीएलसी इज कंप्यूटेड बाय एओ अप्लाइंग द प्रोविजन ऑफ 115(JB), देन एडजस्टमेंट मेड ऑन अकाउंट ऑफ ट्रांसफर प्राइसिंग विल नॉट हैव एनी इम्पैक्ट वेल कंप्यूटिंग द बुक प्रॉफिट। वो कह रहे हैं कि जब एओ बुक प्रॉफिट कंप्यूट कर रहा है फॉर द पर्पज ऑफ मैट, ट्रांसफर प्राइसिंग में जो एडजस्टमेंट हुई है वो कोई भी एडजस्टमेंट बुक प्रॉफिट में वो नहीं करेगा। Assume TLC is a company which is not required to comply with accounting standard. Recent times में अगर institute इसे पूछेगा तो ये Indian accounting standard को replace करके IFRS डाल देगा या Ind AS word को use कर लेगा, ये मैं आपको बता रहा हूं। अब सवाल उठता है कि क्या book profit compute करते वक्त transfer pricing की adjustments book profit में लेते हैं या नहीं लेते। ये question बहुत direct question है, अगर आपको DT आता होगा तो paper 7 DT जब आप MAT पढ़ते हैं तब उस time पे भी वहां पे कुछ FAQs होते हैं, उन FAQs MAT को related FAQs हम लोगों ने book में डाला था, वहां आपको इसका जवाब मिल जाएगा। जो क्लास में प्रॉब्लम हमने सॉल्व किया उसमें से एक प्रॉब्लम मैंने ये भी करवाया है, आप ये भी देख लेना, पर इसका जवाब मैं आपको बता देता हूं। और एक बात, जब आप बुक प्रॉफिट कंप्यूट करते रहते हो, जब आप क्या कंप्यूट करते रहते हो, बुक प्रॉफिट कंप्यूट करते रहते हो, आप सिर्फ उतने ही एडजस्टमेंट्स कर पाओगे जितना एक्सप्लेनेशन 1 टू सेक्शन 115(JB) में दिया हो। मतलब ओनली रेलेवेंट चीजें जो बुक प्रॉफिट कंप्यूट करने के लिए दिया गया है आपको वही अज्यूम करना होता है, इसके अलावा आपको कोई एडजस्टमेंट्स नहीं करनी होती। इस बारे में हमने एक और केस लॉ भी पढ़ा था अपोलो टायर्स का, जो कहता था ओनली स्पेसिफिक एडजस्टमेंट्स कैन बी मेड, नो न्यू एडजस्टमेंट्स कैन बी प्रपोज्ड बाय एओ। तो सवाल यह है कि क्या मैट के कोई भी एडजस्टमेंट्स उन एडिशंस या डिलीशंस में आता है क्या? आंसर इज नो, मैट का कोई भी एडजस्टमेंट्स वहां पे नहीं आता, जिसका क्लियर कट मीनिंग है कि यस, अगर एओ 115(JB) का कैलकुलेशन कर रहा है तो ट्रांसफर प्राइसिंग की कोई एडजस्टमेंट उसको करने की जरूरत नहीं है। तो ये मिक्सचर था किसका, 92 ट्रांसफर प्राइसिंग का प्लस 115(JB) का, दोनों को मिक्स करके आपको क्वेश्चन पूछा गया था। क्लैरिटी कॉन्सेप्ट की रहेगी तो बिल्कुल हो जाएगा। 115(JB) जितना एक्सप्लेनेशन 1 में बोला है बस उतने ही एडजस्टमेंट्स पॉसिबल है, उसके अलावा कोई एडजस्टमेंट्स पॉसिबल नहीं है। राइट, सो व्हाट वुड बी योर आंसर इफ टीएलसी इज रिक्वायर्ड टू कंप्लाई विथ इंड एएस? अगर इंड एएस के तहत टीएलसी को कंप्लाई करना होता तो क्या आपका आंसर चेंज हो जाता क्या? आंसर इज नो, कुछ भी आंसर चेंज नहीं होता मेरा, मेरा आंसर वही रहता। उसका लॉजिक बड़ा सिंपल है, क्योंकि पूरे मैट के प्रोविजन में 115(JB) में कहीं पे भी ट्रांसफर प्राइसिंग के एडजस्टमेंट्स है ही नहीं, ये दोनों सेपरेट कोड है, मैट ऑल टुगेदर सेपरेट कोड है, तो वो इसके अंदर में आता नहीं। चलिए आंसर देख लेते हैं, मेरा जवाब इनकरेक्ट, मेरा जवाब करेक्ट के ऊपर है। आइए वर्ड पढ़ते हैं।
फॉर द पर्पज ऑफ कंप्यूटिंग बुक प्रॉफिट फॉर लेवी ऑफ मिनिमम अल्टरनेट टैक्स द प्रॉफिट शोन इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इन अकॉर्डेंस विद द कंपनीज एक्ट कैन बी इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड ओनली कैन बी इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड ओनली बाय द एडिशन एंड डिडक्शन स्पेसिफाइड इन एक्सप्लेनेशन 1 टू सेक्शन 115 जेबी. हम सिर्फ उतने ही एडजस्टमेंट्स कर पाएंगे जितने 115 जेबी में कहे गए होंगे. Therefore, transfer pricing adjustments cannot be made while computing book profit. मैं सभी बच्चों को CA final वालों को बताना चाहता हूं कि ये same question paper 7 में mat में पूछा था. Same question दो बार mat में पूछा गया है. तो आप ये question को तो बाकायदा याद ही रख लेना. No, the answer will not change even if the TLC is required to comply with Ind AS adjustments. अब मैंने Ind AS कहा. Even then the adjustments need to be made, but no TP adjustments has to be considered. So, हमने क्वेश्चन नंबर 1 को डील कर लिया है. क्वेश्चन नंबर 1 हमारा पूरा कंप्लीट हो गया. 3 क्वेश्चन थे इसके अंदर में, हमने कर लिया कंप्लीट. उम्मीद है आपको मजा आ रहा होगा और कुछ कुछ चीजें याद भी आ रही होगी. चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की. पहले आप क्वेश्चन नंबर 2 फटाफट पढ़ लीजिए. क्या देखा सर? The board of directors want to know the income likely to be computed by AO taking the note of adjustments under the TP. जैसे कि मुझे उम्मीद थी एक क्वेश्चन ये जरूर देंगे TP कैलकुलेट करने के लिए. The profit of TLC computed without taking the note of said adjustment as per the provisions of chapter 4D of the act is 32.2 करोड़. तो वो क्या कह रहे हैं, 32.2 करोड़ आपके profits है without adjusting anything. Without adjusting anything, ठीक है सर. Assume that there is no transfer pricing agreement and TLC has opted not to subject to safe harbor. तो TLC ने safe harbors के अंदर में नहीं जा रहा है और आपने कोई advance pricing agreement नहीं लिया है. सादे simple तरीके से आपको TP compute करने बोला है, बस इतना ही है. घबरा मत जाना, आपसे बड़े सिंपल तरीके से पूछा गया है कि ट्रांसफर प्राइसिंग निकालो. अज्यूम कर लो हमने ना कोई एडवांस प्राइसिंग अग्रीमेंट लिया है ना कोई सेफ हार्बर लिया है. यू आर रिक्वायर्ड टू एग्जामिन द वेरियस ट्रांजैक्शन. ओ क्वेश्चन के दो पार्ट. क्वेश्चन का पहला पार्ट, हर वो ट्रांजैक्शन जो हुआ है उसको एग्जामिन करना है. ट्रांजैक्शन क्या क्या हुए? पीछे एक बोरोइंग का ट्रांजैक्शन हुआ, पीछे एक एक्सपोर्ट सेल्स का ट्रांजैक्शन हुआ, पीछे रॉयल्टी का ट्रांजैक्शन हुआ. हमें तीनों ट्रांजैक्शंस को देखना है, इसके ऊपर टिप्पणी करनी है, लिखना है. यू आर रिक्वायर्ड टू एग्जामिन द वेरियस ट्रांजैक्शन एंटर्ड इनटू बाय टीएलसी एंड डिटरमाइन द एप्लीकेबिलिटी ऑफ ट्रांसफर प्राइसिंग प्रोविजन. साथ साथ में हमें एप्लीकेबिलिटी भी निकाल करके देनी है ट्रांसफर प्राइसिंग प्रोविजन की. ठीक है साहब, निकाल देंगे, कौन सी बड़ी बात है. ओके जब भी ट्रांसफर प्राइसिंग का प्रॉब्लम सॉल्व करना होता है, मैं कई बार बोल चुका हूं, फिर एक बार बोलने में मुझे कोई शर्म नहीं है क्योंकि मेरे बच्चे को मुझे नॉलेज देना है. जब भी टीपी का क्वेश्चन आए आपको इसे चार पार्ट में सॉल्व करना है. पार्ट नंबर 1, जब भी टीपी का क्वेश्चन आए आपको इसे चार पार्ट में सॉल्व करना है. पॉइंट नंबर 1, पहला आपको रिश्ते समझाने होंगे, मतलब एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस है या नहीं. सभी बच्चों को पता होगा हमने सबसे पहले जब टीपी का चार्ट भी पढ़ा था तो पहली चीज इन दोनों के बीच का रिश्ता एक्सप्लेन करना होता है. तो पहला एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस है या नहीं है. दूसरा आपको मेथड बतानी होगी, कौन सी मेथड हम अप्लाई कर सकते हैं. तीसरा उन्हें कैलकुलेट करके देना होगा कि टीपी कैसे आएगा. और चौथा एक फाइनल कुछ अजम्पशन या अदर चीजें आपने ली होगी तो उसके ऊपर नोट देनी होगी. मैं रिपीट कर दूं, चार चीजें आपकी टीपी के आंसर्स में आनी चाहिए अगर आपको टीपी के पूरे आंसर करेक्ट चाहिए. तो पहली चीज आपको क्या करना होगा साहब, आपको उन दोनों के बीच का रिश्ता एक्सप्लेन करना होगा. दूसरा आपको उनकी मेथड्स बतानी होगी. तीसरा आपको टीपी कंप्यूट करके देना होगा. और चौथा आपको क्या करना होगा, कोई नोट या एडजस्टमेंट होगी तो आपको वो एक्सप्लेन करनी होगी. ठीक है, ध्यान से सुनते हैं.
मैं एक बार क्वेश्चन पे वापस जाना चाहूंगा ताकि आप लोग को कोई क्लैरिटी आ जाए, कौन कौन एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस थे। सबसे पहले याद होगा तो टीसीएल एंड एसएल एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस थे, मतलब जब भी हम कैलकुलेशन करेंगे इनका कैलकुलेशन जरूर आएगा। इनके कैलकुलेशन की अगर मैं बात करूं तो यहां पर दिया हुआ था, अगर जीएसएल एक नॉन एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस है तो इसका जो प्राइस है यही हम लोग आर्म्स लेंथ प्राइस ले लेते हैं और यही कप मेथड के अंदर में हम लोग क्या कर लेते हैं, कंसिडर भी कर लेते हैं, ठीक है साहब। सो 12,000 के हिसाब से अगर 11,800 देखा जाए तो कितना एडिशन होना चाहिए, 8 लाख × 200 का एडिशन आएगा, दैट इज 1600 रुपीज इन लैक्स, 1600 लैक्स का एडिशन यहां होगा। साथ ही साथ में अगर मैं यहां बात करूं एक्सेल और एबीसी, सिंस ये लोग एनजेए के अंदर में है, एनजेए के अंदर में जिस भी पार्टी के साथ आप ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, ये ट्रांजैक्शंस को हम लोग क्या मानते हैं, ये ट्रांजैक्शंस को हम लोग मानते हैं कि आपने एक इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस किया है विद एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस किया है। एंड यस, यहां पे 100 रुपए के हिसाब से आएगा क्योंकि 12,000 का था, आपने 11,900 में किया है तो यहां पे अगेन आपको 300 लाख रुपीज का एडजस्टमेंट यहां पे दिखेगा। यहां पे 700 मतलब अगेन यहां पे 300, टोटल 600 का एडजस्टमेंट यहां दिखेगा, 1600 प्लस 600 2200 प्लस 300 2500 रुपए का एडिशन आपको यहां पे 2500 लाख का एडिशन आपको स्ट्रेट अवे यहां पे देखने को मिल सकता है। इतना इजी है ये काम, कुछ भी नहीं है इसके अंदर में, कुछ भी नहीं है इसके अंदर में, ये एडिशन आपके स्ट्रेट अवे होंगे ऑन अकाउंट ऑफ सेल्स, ऑन अकाउंट ऑफ सेल्स ये होने वाला है। मैं अभी रॉयल्टी रिसीट्स के ऊपर बात नहीं किया हूं, मैंने सिर्फ और सिर्फ सेल्स के ऊपर बात किया हूं। तो पहला आंसर्स जब भी हम लोग सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले आपको इनके रिश्ते बताने होंगे, रिश्ते बताते वक्त आपको बताना होगा कि क्या क्या ट्रांजैक्शन इसके अंदर में कंसिडर किया जाएगा एंड इसके अंदर में कैसे एडजस्टमेंट्स होंगे। आंसर्स चालू करते हैं। एनी इनकम अराइजिंग फ्रॉम एन इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन वेयर टू और मोर एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस एंटर्ड इनटू अ म्यूचुअल अग्रीमेंट और अरेंजमेंट शैल बी कंप्यूटेड हैविंग रिगार्ड्स टू आर्म्स लेंथ प्राइस एज पर द प्रोविजन ऑफ चैप्टर 10 ऑफ द एक्ट। सीधा बताया गया है टीपी का चार्जिंग सेक्शन 92। The item that are to be considered is सबसे पहले सेल्स, दूसरा रॉयल्टी और तीसरा इंटरेस्ट। ये तीन ट्रांजेक्शन को हमको क्या करना है, एक्सप्लॉइट करना है। सबसे पहले बात कर लेते हैं सेल्स की, एक्सपोर्ट जो हमने किया। सेक्शन 92A डिफाइंड एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस एंड सेक्शन स्पीक्स ऑफ द सिचुएशन व्हेन टू एंटरप्राइजेस शैल डीम टू बी एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस। जैसा कि हमने कैलकुलेट किया था, टीसीएल होल्ड कर रहा है 28% ऑफ द वोटिंग पावर, सिंस इट इज मोर देन 26% SL and TCL are deemed to be associated enterprises. तो हमने जो पहली चीज करी थी वो बिल्कुल सच निकली, associated enterprises. SL is a non-resident company and transactions will be treated as international transaction. Sales to GSL in Singapore 22.5% का ये sales हो रहा है, hence GSL is not an associated enterprises. ये भी हमारे को clear था। XY and ABC are located in NJA, all parties shall deem to be associated enterprises, transaction shall deem to be an international transaction and TP provision shall apply to such transaction whether 92A is satisfied or not. Hence the transaction in the question have to be tested with reference to ALP. Since GSL is not an associated enterprises, hence selling price could be 12,000 and cup method could be used. So, जैसा कि बेटा मैंने आपको कहा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी रहेगी, आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं रहेगी, ये केस स्टडीज कुछ नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए। अगर आपके पास कॉन्सेप्ट है तो आपका इजी हो जाएगा। और मैंने तो बेटा आपको पूरा ट्रांसफर प्राइसिंग असेसमेंट ही बताया हुआ है कि ट्रांसफर प्राइसिंग असेसमेंट होता कैसे है, कौन से सेक्शन के बाद किस सेक्शन को पढ़ना है और कैसे वो मूव होगा, राइट। और अगर आपको याद नहीं आ रहा है या आप में से कुछ ऐसे लोग हैं जो पहली बार इस केस स्टडी सॉल्व को देख रहे हैं तो मेरा जो ट्रांसफर प्राइसिंग का रिविजन है वो जरूर अटेंड कर लेना, यूट्यूब के ऊपर देख लेना। तो जैसा कि मैंने कहा SL, XY और ABC, ये इनके प्राइस, ये आर्म्स लेंथ प्राइस, ये डिफरेंस, तो स्ट्रेट अवे अगर आप देखोगे इन लैक्स 2500 जो हमने निकाला वो भी क्या आ गया, एज इट इज आ गया। तो सेल से जो एडजस्टमेंट हुई वो हुई 2500 लैक्स की, ठीक है। अब आते हैं रॉयल्टी वाले पार्ट पे। डी इनकॉर्पोरेशन इज हुल्ली ओन्ड सब्सिडी ऑफ टीसीएल इज अ नॉन रेसिडेंट कंपनी,
हेंस दे आर एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस. रॉयल्टी फॉल्स विद इन द मीनिंग ऑफ इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन इट इज पेमेंट फॉर सप्लाई ऑफ नो हाउ बींग इनटेंजिबल. कितने का डिफरेंस था आपको याद होगा, तो हम जो रिलेटेड पार्टी से ले रहे थे वो $2 million का था, जबकि अनरिलेटेड पार्टी को $3 million का था, तो $1 million कम किया था. $1 million के वैल्यू 70 था, तो डिफरेंस सीधा सीधा है $1 million इंटू 70, 700 लाख रुपीज का एडिशन यहां से आएगा. कितने का एडिशन आएगा? 700 लाख रुपीज का एडिशन यहां से आएगा. अब आते हैं बोरिंग पे. बोरिंग पे आपको हमेशा ध्यान देना है कि आपका एक्सपेंसेस कहीं बढ़ ना जाए, राइट. अब अगर आप देखेंगे तो हमने बोरिंग की है 8% पे, जबकि एक्चुअल बोरिंग होनी चाहिए 7% पे, जो आर्म्स लेंथ प्राइस था. यही अगर हमने, अब ध्यान से सुनना, एक प्रोविजन जो आपको यहां पे याद रखनी होती है, वो प्रोविजन क्या थी? वो प्रोविजन ये थी कि अगर इस प्रोविजन को अप्लाई करके आपका प्रॉफिट कम हो रहा है, इस प्रोविजन को अप्लाई करके अगर आपका प्रॉफिट कम हो रहा है तो आपको टीपी प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं है. तो आपको टीपी प्रोविजंस क्या नहीं है? एप्लीकेबल नहीं है. अब हम अगर यहां पे बात करें तो आपने ट्रांजैक्शंस किस पे किया है? 7 इज आर्म्स लेंथ, आपने 8 पे दिया. इससे कम पे देते तो तकलीफ थी. क्या होना चाहिए? एडिशन होना चाहिए. कैसे? अभी देखिए. इफ वन एंटरप्राइजेस लोन्स एंड एडवांस टू अदर एंटरप्राइजेस ऑफ एन अमाउंट ऑफ 51% और मोर ऑफ द बुक वैल्यू ऑफ टोटल असेट. बुक वैल्यू, मार्केट वैल्यू नहीं, इसीलिए मैंने वहां टिक किया था 270 पे. बुक वैल्यू ऑफ टोटल असेट्स ऑफ सच एंटरप्राइजेस इट वुड बी डीम्ड टू बी एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस. एज ऑन द डेट द अमाउंट ऑफ एडवांस इज 200 करोड़ आउट ऑफ 330 करोड़, विच मीन 60.6%. हेंस दानुबेज इज अ डीम टू बी एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस ऑफ TCL एंड इंटरेस्ट पेमेंट इज ऑल्सो कवर्ड बाय इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन. दानुबेज इनकॉर्पोरेशन हैज चार्ज 8% एंड TCL हैज पेड 16 करोड़ फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च. इंटरेस्ट रेट चार्ज टू द अदर पार्टी इज 7%. अब हमने अगर 7% कर दिया तो क्या होगा, सोच के देखिए. इन द लाइट ऑफ दिस इंटरेस्ट शुड बी 16 × 7/8, दैट इज 14 करोड़ एंड देर इज एन एक्सेस पेमेंट ऑफ 2 करोड़ रुपीज विथ रिस्पेक्ट टू ALP. हेंस दिस शुड बी एडेड बैक. आपका प्रॉफिट था 32.2, 25 आया सेल्स से, 7 आया रॉयल्टी से, 2 करोड़ आपके आए इंटरेस्ट पेमेंट से. आपका टोटल ALP या आपकी टोटल इनकम जिसे हम कह सकते हैं वो बना 66.2 करोड़ रुपीज. क्या करना था? कुछ नहीं. सीधा सीधा आंसर था. तो जो डिस्क्लोज किया है हम उसको बिल्कुल नहीं हलाएंगे इंटरेस्ट को. सीधा सीधा आंसर था. आंसर आपका यहां पे आ चुका है. स्टेट विथ रीजन TNC कैन क्लेम द डिडक्शन अंडर 10AA इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्रांसफर प्राइसिंग एडजस्टमेंट मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्सपोर्ट सेल्स इफ सच एडजस्टमेंट टू ट्रांसफर प्राइसिंग आर मेड बाय ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर. आपको याद होगा तो ये कॉन्सेप्ट भी हम लोगों ने क्या किया है, डील किया है, और हमने चैप्टर्स के अंदर में डील किया है. सेक्शन है सेक्शन 92CA सबसेक्शन 4. 92CA सबसेक्शन 4 कहता है कि अगर प्राइमरी एडजस्टमेंट्स करने पे आपकी इनकम को इंक्रीज किया जाता है, इसके ऊपर केस लॉज भी थे जिसको बाद में लॉ में कन्वर्ट कर दिया गया, अगर ट्रांसफर प्राइसिंग प्रोविजंस अप्लाई करने से आपका प्राइमरी एडजस्टमेंट्स किया जा रहा है तो आपके डिडक्शंस बढ़ाए जाएंगे क्या? आंसर इज नो. 80IA/IB में हम लोग ये डिडक्शंस इंक्रीज करते हैं, लेकिन ट्रांसफर प्राइसिंग में ये डिडक्शन इंक्रीज नहीं होता. इस बात को मैंने आपको याद रखने बोला था. चेक कीजिएगा. एज पर द फर्स्ट प्रोविजो टू सेक्शन 94CA TLC कैन नॉट 80IA/IB यस, TP नो, TLC कैन नॉट क्लेम डिडक्शन अंडर सेक्शन 10AA इन रिस्पेक्ट ऑफ इनकम एनहांस्ड दैट इज 25 करोड़ बाय अप्लाइंग द टीपी एडजस्टमेंट वेयर सच एडजस्टमेंट्स आर मेड बाय AO टू डिटरमाइन द ALP. सो अगेन छोटा सा क्वेश्चन था, इजीली कॉन्सेप्ट होगा तो सॉल्व कर सकते हैं. चलिए, राइट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शंस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग बाय चूजिंग वन ऑफ द 4 ऑप्शंस गिवन. ईच क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क. MCQ पे आ गए हम लोग और हर क्वेश्चन को 2 मार्क है. आपको बहुत समझदारी से सॉल्व करना होगा, ये फ्री के मार्क्स होते हैं. अज्यूम TLC हैज एंटर्ड इनटू एडवांस प्राइसिंग अग्रीमेंट ऑन 2 जनवरी कवरिंग ट्रांजैक्शंस पीरियड फ्रॉम 1 अप्रैल.
दिस वॉज सबमिटेड टू डिपार्टमेंट ऑन 19th Jan. दिस वॉज सबमिटेड टू डिपार्टमेंट ऑन 19th Jan. द एनुअल कंप्लायंस रिपोर्ट ऑफ द असेसमेंट ईयर शैल बी फर्निश्ड विद इन. ध्यान से सुनिए, क्वेश्चंस किस बारे में बात कर रहा है. आपको पता होगा जो लोग एडवांस प्राइसिंग अग्रीमेंट्स के अंदर में आते हैं, राइट, उन्हें क्या करना होता है, एनुअल कंप्लायंस रिपोर्ट देना होता है. सर ये कहां लिखा है, आइए आइए, आपके नोट्स में सब कुछ लिखा है मेरे भाई, आपके नोट्स में सब कुछ लिखा है, मैं आपको बता देता हूं, और हेडिंग के साथ दिया है मैंने बाकायदा. याद होगा तो हमने यहां पे शादी का प्रोसेस फॉलो किया था, एनुअल कंप्लायंस रिपोर्ट रूल 10O की बात चल रही है यहां पे, और उसकी सिर्फ एक लाइन के ऊपर था. उस टाइम जब मैं पढ़ा रहा था, बहुत लोगों को ऐसा लगता होगा यार क्या बोर कर रहा है. आप देख लीजिए मैंने क्लास के अंदर में एक पॉइंट भी अगर बताया है ना, तो उसके ऊपर कहीं ना कहीं क्वेश्चन है या वो आगे कहीं इंस्टीट्यूट उसको पूछ लेगा, और ये आ चुका है. यहां पे देखिए क्या लिखा है, एनुअल कंप्लायंस रिपोर्ट 3rd पॉइंट, द एनुअल कंप्लायंस रिपोर्ट शैल बी फर्निश्ड इन क्वाड्रुप्लिकेट ऑफ ईच ऑफ द ईयर कवर्ड इन अग्रीमेंट विद इन 30 डेज फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम और 90 डेज ऑफ एंटरिंग इन टू अग्रीमेंट विच एवर इज लेटर. अब इस केस में अग्रीमेंट कब एंटर हुआ है उसके बारे में तो कोई आइडिया नहीं है, तो हम 90 डेज वाला क्राइटेरिया फॉलो कर सकते हैं. 90 डेज कब से काउंट करेंगे, जब से अग्रीमेंट एंटर किया है. अग्रीमेंट एंटर कब से किया, 2nd जनवरी से, और यहां से हमें 90 डेज फॉलो करने पड़ेंगे. हेंस आंसर सी. बाजू में आप लिख सकते हैं रूल 10O आप बाजू में लिख देंगे, आपको क्लियर कट पता चल जाएगा कि आंसर कहां से आया है. सब कुछ आपके नोट्स में दिया है, अगर आप पढ़ लो ना तो ही आपका काम हो जाए. नोट्स में आपके सब कुछ दिया है, बस पढ़ ले मेरे भाई. एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस रिफर्स टू एन एंटरप्राइजेस विच पार्टिसिपेट्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली और थ्रू वन और मोर इंटरमीडियरीज इन और इफ वन और मोर पर्सन पार्टिसिपेट्स डायरेक्टली और थ्रू वन और मोर इंटरमीडियरीज इन सर्टन एरियाज और स्पीयर्स. फॉलोइंग इज नॉट कनेक्टेड एरियाज और स्पीयर्स, मैनेजमेंट, कंट्रोल, कैपिटल, डिविडेंड. आंसर एक मिनट में आ सकता है अगर आप जाकर के क्या कर लें, 92A पढ़ लें. 92A आपसे बात करता है एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस की. एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस आप कब बन सकते हैं, एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस में मैनेजमेंट कंट्रोल बताया है, कैपिटल का क्राइटेरिया भी दिया है, डिविडेंड का क्राइटेरिया नहीं है. हेंस आंसर शुड बी डी. डिविडेंड जैसा कोई क्राइटेरिया एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस का क्राइटेरिया है ही नहीं, हेंस द आंसर शुड बी डी. इसका लॉजिक ये है. क्या रेफर करना चाहिए, 92A रेफर करना चाहिए, एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस. आइए क्वेश्चन नंबर 3. अज्यूम दैट TLC इज एंटर्ड इनटू अग्रीमेंट फॉर सेल ऑफ अ प्रोडक्ट टू मिस्टर कश्यप ऑन 21st जनवरी, हु हैज एन अग्रीमेंट विद डीप इनकॉर्पोरेशन ऑफ सिंगापुर इन विच TLC होल्ड 40%. TLC डीप इनकॉर्पोरेशन में 40% होल्ड कर रही है, ठीक है. The transaction between TLC and Kashyap will deem to be international transaction for transfer pricing purpose if the other parameters are met. Answer is A. क्यों, मैं आपको बताता हूं. इसका आंसर आपको यहां मिल जाएगा एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस की डेफिनेशन में. मतलब अगर किसी बच्चे ने सच में पढ़ा होगा ना, उसको 2 मिनट में आंसर मिल जाएगा. 3rd का आंसर ही 2nd का एक्सप्लेनेशन है. वर्ड पढ़िए, हम एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस किसे बोलते हैं, वो रेसिडेंट हो या नहीं हो इससे कोई लेन देन ही नहीं है. वर्ड देखिए क्या है, एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस हम उसको बोलेंगे टू एंटरप्राइजेस विच पार्टिसिपेट्स डायरेक्टली, जो डायरेक्टली पार्टिसिपेट करता है. अब टीएलसी डीप इनकॉर्पोरेशन में डायरेक्टली पार्टिसिपेट कर रहा है कितने से, 40% से, ठीक है. विच पार्टिसिपेट्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली और थ्रू वन और मोर इंटरमीडियरी, टीएलसी कश्यप के पास गया. किसके पास गया, टीएलसी गया किसके पास, कश्यप के पास. अब मेरे भाई कश्यप रेसिडेंट हो या रेसिडेंट ना हो, यह ट्रांजैक्शन जो इन तीनों के बीच में हो रहा है ये बाय डिफॉल्ट में क्या माना जाएगा, एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस माना जाएगा. तो कश्यप
का ट्रांजैक्शन बाय डिफॉल्ट में एक इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन माना जाएगा जो एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस के साथ हो रहा है, वेदर कश्यप इज रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट अब इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। डेफिनेशन आप एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस की पढ़ लेंगे तो भी समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर फोर्थ की बात चल रही है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रांसफर प्राइसिंग मेथड अंडर 92C फॉर कंप्यूटेशन ऑफ ALP। आइए सर इसका आंसर ना आप सोते हुए भी दे सकते हैं। 10C रूल सेक्शन 92C रीड विथ रूल 10B आपको बताता है कि छह मेथड है कंप्यूट करने की, कॉस्ट प्लस मेथड, प्रॉफिट स्प्लिट मेथड, ट्रांजैक्शनल नेट मार्जिन मेथड, रीसेल प्राइस मेथड, कप मेथड, राइट, एंड जो अदर बोर्ड ने स्पेसिफाई किया। इसमें कहीं पे भी अनकंट्रोल्ड प्राइस नहीं आता, तो इसका आंसर 2 मार्क फोकट के हैं, दैट इज अनकंट्रोल्ड प्राइस मेथड। द वेरिएशन परमिटेड बिटवीन द एक्चुअल प्राइस चार्ज बाय द एसएससी बीइंग मैन्युफैक्चरर टू एन एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस इन NJA एंड आर्म्स लेंथ प्राइसेस निल। सर कैसे? 94A जाके पढ़िए आपको जवाब मिल जाएगा। सर कैसी बात कर रहे हैं, सच्ची? हाँ सर नोट्स में है ये, सर नोट्स में आपके सब कुछ दिया है। आइए मैं आपको बताता हूँ ये जवाब आपको कहाँ मिलेगा। सबसे पहले आपको NJA ढूंढना होगा। सर NJA आपकी बुक में कहाँ लिखा है? सर NJA हमारी बुक में लिखा है एंड में, टीपी के खत्म होते ही आपको NJA मिल जाएगा। यहाँ पे रेंज कॉन्सेप्ट है। वैसे मैं आपको बता दूं नई सेफ हार्बर रूल्स की गाइडलाइन भी आ गई है, जब तक ये लोड हो रहा है तब तक मैं आपको बता दूं नए सेफ हार्बर रूल्स के गाइडलाइंस भी आ गए हैं जो कहते हैं कि हमें ओल्ड सेफ हार्बर रूल्स ही पढ़ने हैं, जिसका मतलब मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि सेफ हार्बर के ऊपर क्या आ जाएगा, आपको कभी भी किसी भी टाइम एक क्वेश्चन आ सकता है। कहां हो भैया, जल्दी आओ। सर नहीं है? अरे है लाला, 2 मिनट तो रुक। प्राइमरी सेकेंडरी एडजस्टमेंट्स आपको पूरा बताया हुआ है। NJA इसका पॉइंट नंबर 3 के ऊपर बना हुआ क्वेश्चन है। ट्रांसफर प्राइसिंग प्रोविजन शेल अप्लाई एक्सेप्ट 3% टॉलरेंस कैप, 1% इन केस ऑफ होलसेल बिजनेस होता है। तो अगर आप किसी भी पार्टी के साथ ट्रांजैक्शन कर रहे हैं जो NJA में है, तो आपको जो 3% और 1% का टॉलरेंस कैप मिलता है इन केस ऑफ ट्रांसफर प्राइसिंग, वो मिलने वाला नहीं है। क्वेश्चन पढ़ लीजिए क्या है। क्वेश्चन आपसे बात करता है कि जो वेरिएशन है 3% का या 1% का, वो मिलेगा या नहीं मिलेगा। आंसर इज निल, नहीं मिलने वाला। यहां पे 5 और 7.5 सिर्फ और सिर्फ घुमाने के लिए दिया, इसका आंसर आना चाहिए निल। 6 द एप्लीकेंट डिजायरिंग ऑफ रोल बैक प्रोविजन ऑफ APA मे फर्निश द रिक्वेस्ट इन फॉर्म डैश विद अ प्रूफ ऑफ पेमेंट ऑफ एडिशनल फीस ऑफ रुपीज डैश। बहुत सिंपल है, कहां है इसका जवाब? अगेन हमने नोट्स में रखा है इसका जवाब। रोलबैक को अप्लाई करने के लिए कौन सा फॉर्म लगेगा और इसकी फीस क्या लगेगी, 2 मिनट में आपको जवाब ढूंढ के निकालता हूं। सबसे पहले आपको जाना है रोलबैक को ढूंढने के लिए कि रोलबैक कहां दिया हुआ है। रोलबैक में अगर चले जाएंगे तो आपको इसका जवाब मिल जाएगा। सो रोलबैक प्रोविजन एक पूरा डिटेल्ड हम लोगों ने कवर करा हुआ है। उस टाइम जब पढ़ रहे थे तब आपको लग रहा था कि यार ये क्या बोर कर रहा होगा, इतने सारे रूल्स पढ़ा रहा है जबकि कोई काम भी नहीं है, मॉड्यूल में नहीं दिया था ये, मैंने आपको याद दिलाया था। ये देखिए सर इस पे बना हुआ क्वेश्चन है वो। एप्लीकेशन कैन बी फाइल्ड इन 3CEDA विद अ प्रूफ ऑफ पेमेंट ऑफ एडिशनल फीस ऑफ 5 लाख, रूल 10MA इस पे बना हुआ MCQ है, याद होगा तो क्लास में हमने डिस्कस भी किया था। और ये है इसका जवाब, 3 SEDA एंड द अमाउंट इज रुपीज 5 लाख, ये है इसका जवाब। और ये रहा आपके सामने प्रूफ कि क्या हम लोगों ने इन सारी चीजों को कंसिडर किया है या सारी चीजों को कंसिडर नहीं किया, सब कुछ कवर्ड है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ट्रांसफर प्राइसिंग प्रोविजन एंटर्ड इनटू बाय TLC इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन शुड बी इन द नेचर ऑफ, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन किस नेचर का होना चाहिए, परचेस, सेल्स, लीज, टैंजिबल, इंटैंजिबल, ये डेफिनेशन आपको देखने का मिलेगी। आपको इसके लिए जाना पड़ेगा इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस के डेफिनेशन के अंदर में, वहां आपको कवर्ड है। प्रोविजन ऑफ सर्विसेज, लेंडिंग एंड बोरिंग की भी इसके अंदर में कवर्ड है। 1, 2, 3 अबव विथ नॉन रेसिडेंट एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस, आंसर आना चाहिए डी, क्योंकि उनने वर्ड लिखा है इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन, ना कि सिर्फ ट्रांसफर प्राइसिंग। इसीलिए
तीनों भी कवर है, चाहे वो लेंडिंग का हो, सर्विसेज का हो या लीजिंग का हो, बट ट्रांजैक्शन एक इंटरनेशनल एसोसिएटेड नॉन रेसिडेंट के साथ होना चाहिए. एट, ओईसीडी मेंबर कंट्रीज हैव एक्सेप्टेड द कॉन्सेप्ट ऑफ आर्म्स लेंथ प्राइस फॉर रीपिंग द फॉलोइंग बेनिफिट. वो शायद स्पेलिंग गलत हुई है, ये रीपिंग होना चाहिए. फॉर रीपिंग द फॉलोइंग बेनिफिट, ओके सर. मिनिमाइज डबल टैक्सेशन, रियल टैक्सेबल प्रॉफिट कैन बी डिटरमाइंड, आर्टिफिशियल प्राइस डिस्टोरेशन इज रिड्यूस. क्यों लाया गया था आर्म्स लेंथ प्राइस? ऑल ऑफ दी अबव. ट्रांसफर प्राइसिंग के तीनों भी बेनिफिट है, और ओईसीडी ने जो गाइडलाइंस दी थी, टेक्निकली अगर मैं आपसे कहूं तो ट्रांसफर प्राइसिंग को हम लोग स्पेसिफिक इंटरनेशनल टैक्सेशन की भाषा में कहते हैं सार. सार मतलब स्पेसिफिक एंटी अवॉइडेंस रेगुलेशन, जिसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, मिनिमाइज करना डबल टैक्सेशन को, रियल टैक्सेबल प्रॉफिट को शो करना जो सेकेंडरी एडजस्टमेंट के थ्रू हो सकता है, आर्टिफिशियल प्राइस डिस्टोरेशन जो अवॉइड की जा सकती है बाय स्पेसिफिक एंटी अवॉइडेंस अग्रीमेंट. हेंस इसका आंसर ऑल होना चाहिए. विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन फॉल्स विद इन द मीनिंग ऑफ स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शंस? कौन कौन से ट्रांजैक्शन इसके अंदर में आएंगे? ट्रांजैक्शन रिफर्ड टू 80A, क्या ये कवर होता है? यस. एनी ट्रांसफर ऑफ गुड सर्विसेज बिटवीन एलिजिबल बिजनेस 80IA, ये भी कवर होता है? यस. एनी एक्सपेंडिचर इन रिस्पेक्ट ऑफ विच पेमेंट अंडर 40A-2B इज कवर्ड और नॉट? सर मैं आपको बता दूं, सिर्फ ये दो कवर होंगे, तीसरा अमेंडमेंट था और ये कट करवा दिया गया था. ये जो था डेफिनेशन से कट हो गया था और सिर्फ दो ही कवर होंगे, 1 and 2. अमेंडमेंट के तहत 40A-2B अब इसमें कवर नहीं होता. सीम्स टू बी द लास्ट MCQ, वेयर द TLC हैज मेंटेन प्रॉपर रिकॉर्ड्स. ये पेनल्टी वाला क्लॉज है बाबू. प्रॉपर रिकॉर्ड्स एंड TPO हैज मेड सम एडजस्टमेंट्स टू द ELP, देयर बाय इंक्रीजिंग द टोटल इनकम, द पेनल्टी अंडर 270A विल बी निल. पूछो क्यू, पूछो ना क्यू. क्यू का जवाब ये है मेरे भाई, 270A मिस रिपोर्टिंग और अंडर रिपोर्टिंग माना जाता है, और 270A में हम लोगों ने क्लियर कट पढ़ा है कि साहब 270A के तहत अगर ALP से आपकी इंक्रीज होती है इनकम, ALP अप्लाई करने से आपकी इनकम इंक्रीज होती है, जो AO ने अप्लाई किया उससे आपकी इनकम इंक्रीज होती है, तो इसे अंडर रिपोर्टिंग और मिस रिपोर्टिंग के क्राइटेरिया में नहीं रखा जाता, इसकी पेनल्टी अलग है. आपने अपने प्रॉपर रिकॉर्ड्स मेंटेन कर लिए, गेम ओवर. अब इसको TP अप्लाई करके उसने इनकम बढ़ाई, ये आपकी मिस रिपोर्टिंग और अंडर रिपोर्टिंग नहीं मानी जाएगी. हेंस 270A जो मिस रिपोर्टिंग एंड अंडर रिपोर्टिंग की पेनल्टी है, उसमें जवाब आना चाहिए निल. सीम्स एक बार आंसर देख लेना, सारे के सारे कवर हुए हैं या नहीं. और यहां हमारा केस स्टडी 9 पूरा का पूरा कंप्लीट होता है. आप देख सकते हैं कि केस स्टडी जब हम लोग पढ़ते रहते हैं, केस स्टडी जब हम लोग कंसिडर करते रहते हैं साहब, तो आपको क्या ध्यान में रखना होता है? आपको बस कंसेप्चुअल क्लैरिटी होती है, और ये कंसेप्चुअल क्लैरिटी आप लोग ले सकते हैं किससे? पेपर से. अभी भी आपको जुलाई को टाइम है. इंटरनेशनल टैक्सेस के लेक्चर अगर आपने नहीं देखे होंगे, प्लीज देख लीजिए, लेना होगा तो ले लीजिए. जो बच्चे नवंबर दे रहे होंगे वो फटाफट इंटरनेशनल टैक्स के लेक्चर्स ले लीजिए, बहुत कंसेप्चुअल क्लैरिटी लगेगी. और मैंने आपको बता दिया कि नोट्स किस हिसाब से बनाए गए हैं, इनफैक्ट हर एक चीज इसके अंदर में कवर हो जाए. सो केस 8 हमने कंप्लीट कर दिया. यू स्टे ट्यून्ड विद अस. रिविजन लेक्चर मेरे यूट्यूब चैनल पे देखते रहिए, एंड थैंक यू सो मच. मिलते हैं नेक्स्ट केस स्टडी में. बाय बाय एंड टेक केयर.